नमस्कार, लव यू किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए में टेस्टी एंड डिलीशियस आइसक्रीम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आइसक्रीम बनाना। मैंने यहाँ पे 1½ गिलास दूध लिया है। अब हम दूध को अच्छे से उबाल लेंगे। हमारा दूध अच्छे से बॉईल हो गया है। अब मैंने यहाँ पे 5 रुपए वाला इलायची बिस्किट लिया है और इसको हम दूध में ऐड कर लेंगे। बिस्किट को हम दूध में अच्छे से घुलने देंगे और अब हम चीनी लेंगे। अपने स्वाद अनुसार लीजिए, आप जितना मीठा लेते हैं उस हिसाब से आप चीनी लीजिए। देखिए बिस्किट दूध में पूरा मिक्स हो गया है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे जार में डाल देंगे। और अच्छा सा क्रीमी बैटर बना लेंगे। हम इस मिक्सर को चलाएंगे। हम मिक्सर को 4 से 5 मिनट तक चलाएंगे। देखिए हमारा बैटर एकदम क्रीमी बनके तैयार है। अब हम बैटर को आइसक्रीम मोल्ड में डाल लेंगे। अगर आपके पास आइसक्रीम मोल्ड नहीं है तो आप ग्लास में या किसी और चीज़ में आइसक्रीम बना सकते हैं। अब हम आइसक्रीम को 4 से 5 घंटे के लिए फ्रीजर में रख लेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा और बैटर बचा है तो मैंने इसे एक कंटेनर में डाल दिया है। अगर आपके पास आइसक्रीम मोल्ड नहीं है तो आप आइसक्रीम को इस तरीके से भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे डेकोरेट के लिए थोड़ा सा फूड कलर लिया है। आप चाहो तो सिंपली इसे रख सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा कटे हुए बादाम डाल रही हूँ। अब इसको भी हम फ्रीजर में 4 से 5 घंटे के लिए रख देंगे। हमारे 5 घंटे हो गए हैं और हमारी आइसक्रीम भी बनके रेडी हो गई है। देखिए हमारी आइसक्रीम ज़्यादा ही कुछ जम गई है। अब हम प्लेट में थोड़ा सा पानी लेंगे और आइसक्रीम को उसके ऊपर से रख लेंगे ताकि हमारी आइसक्रीम थोड़ा सा अच्छे से निकल के आए। आइसक्रीम को हम प्लेट के इसमें निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पे डेयरी मिल्क चॉकलेट ली है। इसको मैंने पिघला के डाला है इसमें। इससे हमारा टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब हम आइसक्रीम को कट कर लेंगे। आप ऊपर से और भी चीज़ों से डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए हमारी आइसक्रीम कितनी यमी लग रही है। बच्चों के मुंह में तो पानी आ गया है। अब आप इसे एंजॉय कीजिए। हमने जो आइसक्रीम मोल्ड में आइसक्रीम रखी है उसे अब हम निकालते हैं। देखिए ये भी एकदम यमी बनी है। इसमें एकदम बाजार जैसी कुल्फी का टेस्ट आने वाला है। आप इसे भी इंजॉय करिए। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारी दूसरी आइसक्रीम है मिंट आइसक्रीम। मेरे पास थोड़ा बहुत दूध बचा हुआ था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पुदीने की आइसक्रीम बना लूं।
मेरे पास यहाँ करीब एक बड़ा गिलास दूध है, तो मैं इसे अब गर्म कर लेती हूँ। दूध को हम अच्छे से उबाल लेंगे। हमारा दूध अच्छे से उबल गया है। अब मैं यहाँ पे बाउल में एक और आधा चम्मच कॉर्नफ्लोर ले रही हूँ। अब पानी डाल के हम इसका एक अच्छा सा घोल बना लेंगे। इसमें कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए। अब हम कॉर्नफ्लोर को दूध में ऐड कर लेंगे। अब हम कच्ची को अच्छे से हिलाते जाएंगे। अब हम चीनी ऐड करेंगे। अब मैं यहाँ पे ग्रीन फूड कलर ऐड कर रही हूँ, इससे हमारी आइसक्रीम का कलर बहुत अच्छा आएगा। देखिए, ये अब बनके रेडी हो गया है। मैंने यहाँ पे 8 से 10 पुदीने की पत्तियाँ ली हैं। हमें ज़्यादा पुदीना नहीं लेना है। और बनाया हुआ बैटर भी हम जार में डाल लेंगे। हम मिक्सर को 9 से 10 मिनट तक चलाएंगे, इससे हमारा बैटर एकदम क्रीमी बन के आएगा। देखिए, बैटर एकदम क्रीमी बन के रेडी है। अब हम बैटर को एक कंटेनर में डाल देंगे। मुझे पुदीने की पत्तियाँ बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसे डायरेक्ट कंटेनर में डाल रही हूँ। आप इसे छान के भी डाल सकते हैं। देखिए, ये एकदम क्रीमी बनके रेडी है। और हम इसे अब 5 से 6 घंटे के लिए फ्रीजर में रख लेंगे। देखिए, हमारे 6 घंटे पूरे हो गए हैं। अब हम आइसक्रीम को चेक करते हैं। देखिए, हमारी आइसक्रीम एकदम अच्छे से जम गई है। अब हम थोड़ा सा प्लेट में पानी लेंगे और आइसक्रीम को उसके ऊपर से रख लेंगे, ताकि हमारी आइसक्रीम अच्छे से निकल आए। अब मैं आइसक्रीम को एक प्लेट में पलट लूँगी। देखिए, हमारी पुदीने की आइसक्रीम बन के रेडी है और ये दिखने में बहुत ही अच्छी लग रही है। अब आइसक्रीम को कट करके अपनी पसंद से सर्व करें। तीसरी आइसक्रीम है हमारी चॉकलेट आइसक्रीम।
और चौथी आइसक्रीम है मिल्क पाउडर आइसक्रीम।